जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग मेनिया में। जी हाँ दोस्तों, और एक लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में हम अपडेट लेकर के आ चुके हैं आपके पास। ठीक है दोस्तों, ऐसिक नर्सिंग ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2023 मतलब कि एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की ओर से भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, फॉर्म कब से स्टार्ट होना है, ठीक है, किन किन पोस्टों पे ये भर्ती आई हुई है, आपका सैलरी पैकेज क्या दिया जाएगा, ठीक है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, किन किन एज में छूट रखी गई है, और भी अदर बहुत सारी टॉपिक्स के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हर एक लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन है वो आप तक बहुत ही जल्दी जल्द पहुँच सके। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने में ओनली 2 सेकेंड लगता है। जी हाँ दोस्तों, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, आगे वीडियो में फिर अपन शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एसिक्स कोर्स नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन, 1900 प्लस पोस्ट है इसमें। इसमें बेसिकली एलिजिबिलिटी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करते हैं वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई, एप्लीकेशन कैंडिडेट मस्ट बी डन नर्सिंग डिग्री, ठीक है, पास विद द 50% मार्क्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है, मतलब कि आपके पास GNM भी हो तो भी चल जाएगा, या तो फिर आपके पास BSc नर्सिंग हो तो भी चल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आगे हम बात करेंगे कि ऑल द अप्लाइड कैंडिडेट मस्ट हैव रजिस्टर्ड फॉर इंडियन नर्सिंग काउंसिल। आपका INC में रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया की। जी हाँ दोस्तों, एज क्राइटेरिया रखा गया इसमें 21 से 37 साल। जी हाँ दोस्तों, ये बाय मिस्टेक से 31 हुआ है। ST जनरल, ST OBC सबका अलग अलग एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ST SC कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का, OBC कैंडिडेट्स को 3 ईयर का, PWD कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का, और PWD प्लस OBC कैंडिडेट्स को 13 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, और PWD प्लस ST SC कैंडिडेट्स को 15 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉय ऑफ ASIC मतलब जो ऑलरेडी ASIC में जॉब पे है, उनको 37 ईयर लास्ट एज रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको सैलरी कितना रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी जो है 44,900 प्लस सब कुछ प्लस करके इसमें आपको टोटल सैलरी 75K प्लस मिलना है। जी हाँ दोस्तों, आपको सैलरी 75,000 पर मंथ से ज़्यादा मिलना है। और आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों। इसकी ऑफिशियल साइट कौन सी है, ASIC.NIC.IN इसकी ऑफिशियल साइट है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको फॉर्म की फ़ीस कितना पे करना है। जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस आपको पे करना है 250 रुपीज़। जी हाँ दोस्तों, ST SC और OBC कैंडिडेट्स को 250 रुपीज़ पे करना है, और जनरल कैटेगरी वालों को 500 रुपीज़ पे करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, एक बार ये भी देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, द ASIC एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नर्सिंग एप्लीकेंट कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस विल बी बेस्ड ऑन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मतलब आपका CBT टेस्ट होना है। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होना है। देन उसके बाद आपका, आप अगर पास आउट हो जाते हो तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, देन डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आगे हम वीडियो में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से रहना है 2023 का। नर्सिंग सब्जेक्ट से आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 100 मार्क्स से होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जनरल एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आना है, जो कि 25 मार्क्स के होना है, मतलब आपका टोटल पेपर होना है 125। जी हाँ दोस्तों, 125 नंबर का आपका टोटल पेपर होना है। इसमें आपका कट ऑफ कितना जाना है वो आके हम बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, लास्ट ईयर जो लास्ट भर्ती थी ASIC की, उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। जनरल कैटेगरी 72 to 85 एक्सपेक्टेड है, ठीक है। OBC कैटेगरी का 65-72 एक्सपेक्टेड है। SC कैटेगरी का 60-71 एक्सपेक्टेड है, और ST कैटेगरी का 55-65 एक्सपेक्टेड रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप सबके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि फॉर्म स्टार्ट कब से होना है। जी हाँ दोस्तों, फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल के बाद, आपके फॉर्म अप्रैल के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही थी कि फॉर्म कब से स्टार्ट होना है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू। जय हिंद।